जींद के सुमित कुमार की, तो हमने उनको वहां से हटाकर अंबाला ट्रांसफर करवाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के प्रमोटी आईपीएस ऑफिसर, जींद के पूर्व पुलिस अधीक्षक, जिन पर की आरोप लगा था महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी में, एक पत्र में, अनुरोध पत्र में जो आरोप लगाए गए थे, अब वो भारी पड़ सकते हैं आईपीएस अधिकारी के लिए। जींद के पूर्व पुलिस अधीक्षक, जिनका भी हाल ही में ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर करके उनको अंबाला भेजा गया, महिला आयोग के सामने पेश भी हो चुके हैं। लेकिन अब उसके अंदर जो नई बात आई है घटनाक्रम के अंदर, आज महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया थी चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में उन्होंने बताया कि आईपीएस अधिकारी को लेकर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कई शिकायतें आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि उन शिकायतों के अंदर कई शिकायतें ऐसी है कि जिनके अंदर दावा किया जा रहा है, सबूत भी हैं, प्रूफ भी हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर वो शिकायतें सही हैं तो फिर ये मामला बहुत संगीन है और सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन अधिकारी पर जिन पर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही रेणु भाटिया ने यह भी कह दिया कि अगर ये आरोप सही नहीं है, जिस प्रकार की शिकायतें उनके सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो शिकायतें सही नहीं है तो फिर शिकायतकर्ता पर एक्शन होगा। जींद के सुमित कुमार की, तो हमने उनको वहां से हटाकर अंबाला ट्रांसफर करवाया। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आयोग की इस बात की मान रखा और आगे वाली आने वाली जो इंक्वायरी है उसमें बाधा ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखा गया। मुझे ऐसे लगता है कि अपनी साथी महिलाओं के साथ अपमान करना, अपराध की सोच रखना, ये हेरासमेंट एट वर्कप्लेस कैटेगरी में आता है और हम इसके ऊपर सख्ताई से काम कर रहे हैं। यदि वो महिलाएं सच्ची हैं, सबूत के साथ हमारे सामने आती हैं, अपना बयान देती हैं, तो हम एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा हमने कई वीडियो शेयर किए इस सारे मामले को लेकर के, और हमने हमेशा कहा है कि सारे मामले में ऐसी गंभीर और गहन जांच होनी चाहिए जिससे सब कुछ पता लग सके, और इसके साथ साथ एक्शन होना चाहिए जिम्मेदार पर, आरोपी पर, दोषी पर। अगर दोषी आरोपी पुलिस अधीक्षक एसपी साहब हैं तो उन पर भी हो, अगर दोषी कोई इसके अंदर षड्यंत्र है, कोई इसके अंदर साजिश रची गई, तो फिर उन लोगों का पता लगा करके उन पर भी एक्शन हो। आपको बताता चलूं कि पिछले लगभग 8 से 10 दिन का घटनाक्रम है। जींद ब्रेकिंग न्यूज के नाम से एक सोशल मीडिया पोर्टल है जिस पर शुरू हुआ था ये सारा मामला। जींद की पुलिस ने, वहां की एक महिला पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने एफआईआर भी करवाई उस पोर्टल को चलाने वालों के खिलाफ। हालांकि सामने आ चुके हैं पोर्टल चलाने वाले भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रख चुके हैं कि पुलिस उनके खिलाफ लगी रहती है। मामला सारा यूं था कि 7 पुलिस कर्मचारियों, महिला पुलिस कर्मचारियों की तरफ से, जिसमें नाम लिखे हुए थे 7 महिला पुलिस कर्मचारियों के, एक सोशल मीडिया पर एक शिकायती पत्र वायरल हुआ, और शिकायती पत्र को कहा गया अनुरोध पत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम वो शिकायती पत्र था, और उस शिकायती पत्र के अंदर कहा गया था कि मैं एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं, अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से करती हूं। कहा गया था कि उनको महिला थाना प्रभारी लेके गई थी पुलिस अधीक्षक के कैंप ऑफिस में, कैंप कार्यालय में, जो निवास हुआ करता है पुलिस अधीक्षक का, और निवास पर जो कार्यालय होता है उसको कैंप कार्यालय कहते हैं। महिला पुलिसकर्मी ने कहा था उस शिकायत के अंदर, जो शिकायती पत्र जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें कहा गया था कि वो जब पहुंची महिला एसएचओ के साथ में, तो वहां पर एसपी साहब ने कहा कि आज कोई नहीं है, आप चाय बना के ले आए। उस शिकायती पत्र में कहा गया था कि जब वो चाय बना करके आई तब तक महिला एसएचओ जा चुकी थी, और एसपी साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। वो यहां से भागी और बाहर जाकर देखा तो महिला एसएचओ बैठी हुई थी। महिला एसएचओ को शिकायत की, उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है, और उसके बाद में वो शिकायतकर्ता जिन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र वायरल किया,
उसमें कहा गया कि बाद में वो महिला डीएसपी के पास गई और महिला डीएसपी ने भी कह दिया कि अगर प्रमोशन चाहिए, रुपयों में खेलना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। अजीब इत्तेफाक बनता है सारा। एक महिला एसएचओ और एक महिला डीएसपी अगर इस प्रकार कहती हैं, जो शिकायत में आरोप लगाए गए अगर वो सही हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जो पुरानी कहावत है, नारी ही नारी की दुश्मन। खैर, सारे मामले को लेकर के संज्ञान लिया इसके अंदर, खासकर महिला आयोग ने इसके अंदर फिर संज्ञान लिया डीजीपी साहब ने, और साहब इस पर संज्ञान लेते हुए पहले तो बनाई गई एक जांच कमेटी जिसके अंदर फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी उनके अंदर जांच कर रही थी, और बाद में उसके साथ में इसका दायरा बड़ा करते हुए इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो बात हुई, एसआईटी बनाई गई। एसआईटी के अंदर एडीजीपी ममता सिंह उसकी चीफ है, और आस्था मोदी उनके साथ में उसी टीम में है। एसपी को ट्रांसफर किया गया जींद से, महिला एसएचओ और महिला डीएसपी को भी ट्रांसफर किया गया ताकि किसी भी प्रकार से जांच प्रभावित ना हो। और मैंने आपको अपने एक वीडियो में कहा था, आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि नायब सिंह सैनी ने यह संदेश दे दिया कि महिला अस्मत के मामले में, महिला अपराध के मामले में, या महिलाओं का अगर उत्पीड़न होगा तो उस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीरता बरतेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। एडीजीपी ममता सिंह आज जो सोशल मीडिया वायरल हो रही है पोस्टें उसके अंदर, और विभिन्न पोर्टल पर जो खबर चल रही है, और हमारे सूत्रों ने भी बताया, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी बता रहे थे कि एडीजीपी ममता सिंह गई थी आज पुलिस लाइन में, और वहां पर उन्होंने 30 महिला पुलिस कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। कह रही है कि पूरी जांच की जाएगी, अभी जांच का प्रारंभिक दौर है, और जांच की सारी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को दी जाएगी, सरकार को दी जाएगी। इधर रेणु भाटिया कह रही हैं कि इस सारे मामले में, हालांकि जो जिन पर आरोप लगाया है पुलिस अधीक्षक साहब पर, एसपी साहब पर, वो तो पेश हो चुके हैं खुद से और अपना पक्ष रख चुके हैं, और इवन उन्होंने तो अपना पक्ष सीधे सीधे मीडिया के सामने भी रखा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने तो अपना पक्ष मीडिया के सामने खुद रख दिया, जबकि हमने आज तक कभी भी प्रयास किया है कि उनका नाम सामने ना आए, पहचान किसी तरह से बचाई जाए, क्योंकि हुआ करता है कि इस प्रकार के जब अपराध होते हैं, और खासकर दूसरी बात यह हो जाती है कि जब तक किसी पर दोष सिद्ध ना हो तो किसी का चरित्र हरण करना या उनकी बात उछालना एक अच्छी पत्रकारिता का मानक नहीं माना जा सकता। तो इस सारे मामले के अंदर अब महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जो आज कह रही थी कि वो 7 महिला पुलिसकर्मी जिनके नाम थे, उनको भी, महिला एसएचओ को भी और महिला डीएसपी को भी, उनको भी तलब किया गया है, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद कार्यालय जो महिला आयोग का है रेणु भाटिया जी का, उसके अंदर उनको बुलाया जाएगा और उनके बयान कलमबद्ध किए जाएंगे। अगर कहें सही सही मायने के अंदर, तो इस सारे मामले को लेकर के मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि सरकार जितनी गंभीरता बरत रही है, वाकई इतनी गंभीरता बरती जानी चाहिए। अब अगर कहें जो अभी तक की जांच जैसा चल रहा है, जिस दिशा में जांच दिखाई दे रही है और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं अधिकारियों के, अगर उसमें गंभीरता से देखा जाए, तो फिर प्रथम दृष्टया तो यह लगता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय की आगे चल के आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, आने वाले दिनों में उन पर परेशानियां हो सकती हैं। हमने जितने भी आज तक सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब और फेसबुक पर जितनी भी हमने अपने पोस्ट डाली इसके मामले को लेकर के, 3-4 जितनी भी हमने वीडियोस डाले, उसके अंदर हमारे दर्शकों का यही कहना है कि इस सारे मामले की गंभीर और गहन जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों ने महिला पुलिसकर्मी जिनकी तरफ से शिकायत वायरल की गई उनके बारे में भी कहा, तो कुछ ने पुलिस अधीक्षक के बारे में भी कहा, कुछ ने महिला एसएचओ और महिला डीएसपी के बारे में भी कहा, लेकिन जो निष्पक्ष लोगों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि नार्को टेस्ट तक की बात भी अगर आए तो होना चाहिए दोनों पक्षों का। दोस्तों, इसके सारे मामले के अंदर महत्वपूर्ण और गंभीर जो बात है वो ये है कि अगर कहीं पुलिस अधीक्षक पर जो आरोप लग रहे हैं, महिला एसएचओ और महिला डीएसपी पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर उन मामलों में, उन आरोपों के अंदर कहीं कोई सच्चाई है, तो फिर उसके बाद में जरूर नजर जाएगी उस बात पर जिसमें कहा जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके मातहत कर्मचारियों के हित सुरक्षित माने जाते हैं, और फिर खासकर जब महिला पुलिस कर्मचारियों की बात आए तो फिर तो उसको और भी गंभीरता से आगे लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं वो आरोप सही हैं,
पुलिस अधीक्षक पर, महिला SHO पर, महिला DSP पर अगर आरोप सही है महिला पुलिस कर्मचारियों के, तो फिर इसको तो यही कहा जाएगा कि खेत को बाढ़ खा रही थी, बाढ़ खेत को खाने की तैयारी में है, और ये किसी भी लिहाज से पुलिसिंग के लिए सही नहीं माना जा सकता। हालांकि माना तो किसी भी पेशे में सही नहीं जा सकता अगर पुलिसिंग के अंदर ऐसी बात होगी, क्योंकि खाकी पर जिम्मा होता है सबकी सुरक्षा का, सब पर न्याय का, सबके साथ इंसाफ का, और अगर वहाँ ऐसा हो रहा होगा और आला अधिकारियों द्वारा मातहत कर्मचारियों के साथ कोई ऐसी बात होगी तो फिर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं शिकायत गलत है, कहीं किसी षड्यंत्र के तहत, किसी साजिश के तहत पुलिस अधीक्षक पर और महिला पुलिस अधिकारी जो SHO DSP हैं उन पर अगर कहीं ये उनका चरित्र हनन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, या फिर किसी षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की शिकायतें वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो फिर ये शिकायतें वायरल करने वाले की भी पूरी तफ्तीश जांच होनी चाहिए और उन पर भी सख्त एक्शन हो। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने खाकी पर दाग लगाने की कोशिश की उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, जिस प्रकार के बयान इसके अंदर जांच अधिकारियों के या महिला आयोग के आ रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि इसके अंदर कहीं जिन पर आरोप लगे हैं अधिकारियों पर, उनके लिए आने वाले दिन परेशानी वाले हो सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि इस मामले के अंदर किसी प्रकार की षड्यंत्र, साजिश या कॉन्स्पिरेसी की कहीं कोई बू आती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।